तो हे गाइस सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका न्यू व्लॉगर एलवील यू व्लॉग चैनल में। सो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग आए एक मेले में और ये काफ़ी मज़ेदार मेला है और काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे आगरा में लगता है गाइस। इस मेले का नाम है ताज महोत्सव और गाइस साल में ये एक बार आता है और कोई एक हफ्ता तक चलता है गाइस। बहुत ही बढ़िया मेला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और गाइस ब्लॉग को पूरा देखना और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और गाइस चलते आगे आपको दिखाते हैं मेला। गाइस जो सामने गेट दिख रहा है इसी गेट से लेनी है एंट्री। और गाइस कितनी भीड़ है भाई मेले में, बहुत ही ज़्यादा रश है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस टिकट लेते और चलते लेते हैं एंट्री भाई मेले में। अभी हमने टिकट लेके ताज महोत्सव के अंदर एंट्री ली। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई ताज महोत्सव के अंदर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और गाइस यहाँ पर देखिए झूला कितना ऊंचा लगा हुआ है भाई, आसमानी झूला बोलते हैं इसको। और गाइस यहाँ पर देखिए एक मार्केट मतलब दुकान मिली और इस दुकान पर मतलब बच्चों के आइटम मिल रहे थे, छोटी छोटी टॉफी काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसी जो बच्चे खाते हैं, मज़ा आता है उनको खाने में। सो गाइस यहाँ पर देखिए मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ताज महोत्सव के अंदर, बहुत ही शानदार मार्केट लगता है। आपको कोई सी भी चीज़ मिल सकती है, मतलब कोई सा भी आइटम आप खरीद सकते हो ताज महोत्सव के अंदर गाइस। सो मैं और फैजान यहाँ इस दुकान पर खड़े होकर देख रहे थे कि कैसी चीज़ें हैं, टॉफी वॉफी काफ़ी पुराने आइटम जो मतलब पुराने टाइम में एक की चार टॉफी आती थी ऐसे ही आइटम इस दुकान पर मिल रहे थे गाइस। सो गाइस यहाँ पर देखिए ये फायर पान और पान के अंदर आग लगा दी भाई। सो अभी एक लड़के को खिलाएगा ये पान और मतलब पान इसी को फायर पान बोलते गाइस। सो ये देखिए ऐसे करके खिला दिया भाई, इसी को फायर पान बोलते गाइस। सो गाइस काफ़ी मतलब मुझे तो अजीब सा लगा भाई, मैंने तो नहीं खाए भाई। सो झूले काफ़ी ऊंचे हैं भाई। सो गाइस चलते हैं आगे, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं और झूलों का लुत्फ दिखाते हैं। गाइस ताज महोत्सव के इस साइड में चारों तरफ झूले लगे हुए थे, बच्चों के झूले अलग थे और बड़ों के झूले अलग थे गाइस। सो गाइस सामने आपको दिख रहा है भीड़ कितनी है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है झूलने के लिए, लोग खड़े हुए हैं बहुत ही ज्यादा। सो गाइस ताज महोत्सव में सब कुछ इतना महंगा है कि उसमें अपना घर जाएगा और सारा का सारा चला जाएगा भाई, बहुत ज्यादा महंगा है सब कुछ। और अभी यहाँ पर झूले हैं तो हम लोग झूला झूलेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे मैं और फैजान भाई, तो काफ़ी मतलब काफ़ी झूले हैं। और तो मज़ा आएगा भाई, इसमें अपना घर चला जाएंगे तो देखते हैं घर देकर जाएंगे आज। तो चलिए फैजान भाई झूलते हैं आज, मज़ा करेंगे भाई। सो गाइस भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर देखिए काफ़ी इसमें अपना घर जाएगा। माइक और होता माइक ठीक होता है यार तो बढ़िया रहता है यार।
प्राइस यहाँ पर देखिए 1 झूला यहाँ पर, और ये कौन सा झूला बहन? घोड़े वाला, घोड़े वाला। और कौन सा बैक में दिख नहीं रहा है, पीछे की साइड भाई ये नाव वाला झूला है, भैया ये नाव वाला झूला है जो पीछे की साइड चल रहा है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। भाई बहुत महंगी टिकट है, टिकट हमारी लिमिट से बाहर है, हम लोग तो एंजॉय ले रहे हैं देख के, काफ़ी क्यों बोल रहा है हमारी लिमिट से ही बाहर है भाई। हाँ वो तो है, और काफ़ी ताज मौसम में लाखों रुपए का खर्चा किया जाता है, मतलब लाइटिंग लाइटिंग में ही भाई लाखों रुपए का खर्चा किया जाता है ताज मौसम में। और गाइस यहाँ पर देखिए झूले कितने शानदार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई, सजा दिए गए हैं बिल्कुल, मतलब लाइटिंग से जगमगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाइट में तो और भी मतलब अच्छा लगता है भाई, बहुत ही शानदार लगता है ये लाइटिंग जो लगाई जाती है ताज मौसम में गाइस। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, और काफ़ी भीड़ भी है जो 11-12 बजे तक चलेगी। और गाइस यहाँ पर देखिए पापा की परी के रिएक्शन कैप्चर किए गए हैं वीडियो में, रिएक्शन कैप्चर किए गए हैं, और यहाँ पर देखिए वीडियो की तरफ कितनी अलग ही तरीके से देख रहे हैं भाई। चलते आगे भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बढ़िया से ही लग रहा है, पर झूल नहीं पा रहे हैं, झूल नहीं पा रहे हैं, बच्चे झूल रहे हैं, जैसे भी बच्चे उड़ रहे हैं पीछे के साइड, ऐसे झूल नहीं पा रहे हमें ना, देखते हैं भाई कोई हमारी लिमिट के हिसाब से मिल गया तो झूल लेंगे, है ना, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। चलते आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, इस चक्कर में हम दोनों भाइयों ने कोल्ड ड्रिंक पी 20-20 वाली। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने चेस किया, और चेस करने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी के हम मार्केट की तरफ निकल चुके। और गाइस यहाँ पर देखिए क्या शानदार मार्केट लगती है भाई ताज मौसम में, बहुत ही बढ़िया मार्केट लगती है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और यहाँ पर देखिए पेंटिंग है गाइस, ये ऐसी पेंटिंग है जो धागों से मतलब और हाथ से बनाई जाती है, मतलब हाथ से बनाते हैं इस पेंटिंग को गाइस। ये देखिए यहाँ पर शॉप, ये दुकान जो मतलब है ये कपड़े की दुकान है, ज़्यादातर आपको कपड़े की दुकानें मिलेंगी ताज मौसम में, मतलब गाइस बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें जो लगती हैं वो कपड़े की दुकान लगती हैं। और गाइस सेल भी लगती हैं कुछ ऐसी दुकानें हैं, और एक मतलब कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो एक दाम की होती है गाइस। यहाँ पर देखिए ये आइसक्रीम की दुकान है, और यहाँ पर देखिए बगल में लस्सी की दुकान है, मतलब लस्सी काफ़ी लोग पी रहे हैं लस्सी, और काफ़ी बढ़िया लस्सी मिलती होगी भाई, बहुत ही बढ़िया। और गाइस यहाँ पर देखिए ओरी मैया जे कौन है भाई, जो कौन मिल गया भाई। सो यहाँ पर फिर हम लोग आगे चले। सो गाइस काफ़ी मतलब दुकानें ऐसी लगी हुई हैं गाइस। एक चीज़ सबसे कॉमन है, मतलब सबसे अजीब है, कि लेडीज़ का सामान आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा ताज महोत्सव हो या चाहे कोई भी मेला हो या कोई बाज़ार हो, गाइस सबसे ज़्यादा लेडीज़ का सामान मिलेगा। पता नहीं क्या ये लोग लूट लेते हैं लेडीज़ को, या पता नहीं क्यों भाई इनको ज़्यादा फ़ायदा। तो यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन मिले, और गाइस मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मिट्टी के बर्तन है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी की बनी हुई है गाइस, मैं दिखाता हूँ। सो गाइस इस एरिया में काफ़ी बड़ी स्टेज बनी हुई है, बहुत ही बड़ी स्टेज बनी हुई है गाइस। और गाइस यहाँ पर काफ़ी मतलब सेलिब्रिटी आ चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं, जैसे बीपराग और पलक मुच्छल उनका भाई, और गाइस अल्ताफ राजा, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ऐसे बड़े बड़े सिंगर आ चुके हैं गाइस इस स्टेज पर। मतलब ताज महोत्सव बहुत ही जाना माना है गाइस, बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं ताज महोत्सव। सो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है ताज महोत्सव में। और गाइस अभी जा रहे हैं हम स्टेज के साइड, तो आपको दिखाते हैं करीब जाके स्टेज, और कोई मतलब प्रोग्राम चल रहा होगा तो वो प्रोग्राम भी दिखाएंगे गाइस आपको। और गाइस मतलब हम वॉइस तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, तो इस चक्कर में हम आपको है ना करीब जाके दिखाते हैं कि मतलब
स्टेज मतलब करीब जाकर दिखाते हैं आपको। सो गाइस अभी हम स्टेज के करीब आ गए हैं और मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, तो फ्रंट कैमरे से कैप्चर नहीं हो पा रही तो मैंने बैक कैमरे से दिखाया आपको। और गाइस मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा आपको स्टेज, जो काफ़ी बढ़िया मतलब प्रोग्राम भी चल रहा है, कोई राधा कृष्ण का कोई प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है गाइस। ऐसे प्रोग्राम मतलब लोकल के ही लोग करते हैं, जो लोकल में छोटे मोटे क्रिएटर होते हैं वो लोग करते हैं गाइस। सो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो वो बाहर से ही आते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं गाइस, काफ़ी सिंगर आ चुके हैं। और गाइस ये देखिए राधा कृष्ण का कोई प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी मतलब बढ़िया इवेंट है, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा है। और गाइस देखिए स्टेज कितनी बड़ी है भाई, बहुत ही शानदार लगती है भाई, लाइटें जो लगी हुई हैं स्टेज पर बहुत ही बढ़िया, और ऊपर की साइड जो तिरपाल मतलब ऐसी छतरी सी बनी हुई है, तो काफ़ी मतलब पानी में भी कोई डर नहीं है, आराम से पानी में आप लोग यहाँ रुक सकते हो। और गाइस इसमें वीआईपी एंट्री आगे की साइड है और बाकी है ना पीछे की साइड रेलिंग से बैठते हैं। और गाइस यहाँ पर देखिए हम दोनों मतलब आराम से इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है हम लोगों को। और गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, सो फैजान को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। तो ये देखिए स्टेज पर कैसी लाइट है, मतलब जगमगा रही है, काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है भाई, काफ़ी स्मार्ट लग रही है, मतलब कहने का ये है स्टेज काफ़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है। और आगे भाई जा नहीं सकते हैं आगे स्टेज के, और करीब नहीं जाने दे रहे क्योंकि पुलिस है, वो करीब नहीं जाने दे रही है। सो काफ़ी देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है भाई। गाइस अभी स्टेज की साइड से और मार्केट की साइड आ गए हम लोग। और गाइस यहाँ पर देखिए गाइस मार्केट कैसी लग रही है, बहुत ही बढ़िया। और गाइस यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं ताज महोत्सव के अंदर, और कुछ ऐसे ढाबे से बने हुए हैं होटल जैसे, मतलब वहाँ पर आपको खाना मिल सकता है, कॉफ़ी मिल सकती है, चाय मिल सकती है, जो भी आपको खाना है वो सब कुछ मिल सकता है गाइस। तो बहुत ही बढ़िया होता है बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि गाइस जो बाहर से आते हैं उनको खाना वाना नहीं मिल पाता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर आप ताज महोत्सव में खा सकते हो, आराम से अपना इंजॉय कर सकते हो, आराम से सब कुछ मतलब अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा लगा भाई, काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। सो गाइस अभी चलते हैं हम आगे और आपको मतलब और भी चीज़ें दिखाते हैं, तो और भी चीज़ें ऐसी देखने के लिए ताज महोत्सव में। देखिए ये भैया ने खरीद लिया, कितने का खरीदा भैया? 4000 का खरीदा ये, और कंफर्टेबल है कि नहीं? बहुत ही मजा आएगा इनको, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और कौन सा खरीद रहे हो? देखिए और पीछे वाला सेट, और पीछे वाला सेट जो सोफा पड़ा है पीछे की साइड गाइस, तो वाला भी खरीद लिया इन भैया ने। कितने का लिया? 17000। चलो भैया के पास गाड़ी बुलवाओ भाई। जे वाला सोफा लिया है इनने, ये पीछे लगाया गाइस, काफी बढ़िया भाई। आओ लेट इस पर, लेटो भाई लेटो। 17000 रुपए का लिया हुआ है जी, लिया 17000 ये प्राइस बेहतरीन। तो यहाँ पे कितने पार्टी के लायक है? अच्छा अच्छा, पार्टी वगैरह मीटिंग हो गई भाई, बैठो आओ यार, अपना ही है सब कुछ है, अपना ही है, अपना ही है भाई। और मतलब अबे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई, वेरी कूल बहुत ही बढ़िया। किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं, हाँ लकड़ी कमजोर है, बचल जाएगी अगर गलती से कोई बच्चा बैठ। तो काफी मजा आ रहा है भाई, भेजन भाई बढ़िया मजा आ रहा है। और यहाँ पर हमें कुछ भाई मिले हैं, ये भाई काफी एंजॉय कर रहे हैं भाई, मजे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो अब हमारे चैनल पे आएंगे ये और हमारे ब्लॉग में आएंगे। सो गाइस भाई को देखना और मदद देखना भाई को, और कभी मिलेंगे तो फिर हमारी वीडियो में आएंगे भाई। अच्छा तो भाई की मोबाइल की दुकान है, तो इनसे कांटेक्ट करेंगे मोबाइल के चक्कर में। तो बहुत बड़े कैसे सेकंड हैंड नहीं बिकते हो? दोनों बिकते हो? अच्छा तो भाई की मतलब दोनों सेकंड हैंड भी मिल जाते हैं और न्यू फ़ोन भी मिल जाते हैं, तो गाइस कांटेक्ट करना पड़ेगा फिर तो भाई। तो चलते हैं, काफ़ी बढ़िया काफ़ी आइटम है यहाँ पे। तो तुमने ये ले लिया भाई? हाँ तो भाई ने ये ले लिया, देखो बढ़िया है ना, वेरी बढ़िया। तो चलते हैं गाइस आगे और भी इंजॉय करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई ताज महोत्सव में। ताज महोत्सव है क्यों ना राटे है, तो ताज महोत्सव है भाई। तो चलते गाइस आगे और दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें देखने के लिए और काफ़ी चीज़ें खरीदने के लिए, पर हमारी औकात से बाहर हैं, तो चलो।
यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली, और गाइस काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, जैसे दौड़ते हुए घोड़ों की मूर्तियाँ, हाथियों की मूर्तियाँ, और गाइस मतलब घोड़े जैसे दो पैरों पे उठ गए हैं, ऐसी मूर्तियाँ, काफ़ी मूर्तियाँ हैं। सो गाइस आपको दिखाते हैं, चलते आगे गाइस। और अपना बोरिया बिस्तरा लेके वापस आ गए। सो कोई बात नहीं गाइस, बहुत महंगी चीज है भाई और बहुत ही ज्यादा महंगा आइटम है यहाँ पर। सो एक से कर रहा आइटम, हाँ, और गाइस चलते हैं देखते हैं। रखी हुई है मुलायम भाई, तोपे रखी हुई है, तोपे तोपे तीन तोपे। सो गाइस यहाँ पे तोहफे मिली है और मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, और एक तोप खरीद लेते हैं, चलाने के लिए काम आएगी। तो चलते पहले मैं तोप दिखाता हूँ आपको और फिर ले चलते हैं घर और चलाएंगे फिर गली मोहल्ले वालों पे। मतलब जिस शीशे में हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब व्लॉग शूट कर रहे हैं गाइस, ये 2200 रुपये का शीशा है, और देखिए कितना बड़ा है भाई, गोल है बिल्कुल और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो 2200 रुपये का शीशा है भाई। तो फैजान भाई तो सुन के शॉक तो हुए और बोल रहे हैं भाई हम नहीं खरीद पाएंगे, हम बस खाली वीडियो बनाएंगे और फरार हो जाएंगे। सो देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा महंगा, एक वहाँ भी रखा है 2200 रुपये का, वो भी बताया 2200 रुपये, तो देखते भाई कितने का भाई, कितने का 2200 रुपये। सो 2200 का बता रहे हैं भाई, 2200 का ये वाला शीशा, और वो भी 2200 का है, और वो भी 2200 का भाई, बहुत ही महंगे शीशे हैं। तो रहने दे, शीशा आप देखेंगे नहीं कल से भाई, शीशा आप देखेंगे ही नहीं भाई। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया भाई और 10 से ऊपर हो रहा है टाइम, और जाने का मन ही नहीं कर रहा भाई, ताज मौसम में इतना मज़ा आ रहा है। फैजान भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं ताज मौसम में? मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और जाने का मन नहीं कर रहा है, और काफ़ी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लेने का मन तो कर रहा है पर जिम खाली है, तो जिम खाली है पर किसी दिन खरीदेंगे भाई, किसी न किसी दिन खरीदेंगे हैं फैजान भाई। एकदम से प्लान बन गया आने का यहाँ, तो हमारा अचानक प्लान बना, और जैसे हमें पता चला कि ताज मौसम लगा हुआ है, तो हम लोग मतलब घर से हम लोगों ने प्लान बनाया और वहाँ से चल मतलब बिजली घर पे मिले, फिर उसके बाद हम लोग ताज मौसम आ गए, और गाइस काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और काफ़ी झूले भी थे, और काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसी हैं, मतलब खरीदने से ज़्यादा वीडियो बनाने में और फोटो खींचने में जो मज़ा आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, और गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और गाइस ब्लॉग को पूरा देखना, और गाइस मतलब काफ़ी लोगों के रिएक्शन भी लिए हमने ब्लॉग में, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको ब्लॉग को देखने में गाइस। तो मतलब आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छा एक जो क्लू सोचा था, और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा आप लोगों को, तो प्लीज़ यार ब्लॉग को पूरा देखना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ गाइस। सो गाइस मतलब फिर से कोई नई लोकेशन और कोई नई जगह लेकर आएंगे। सो गाइस मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और गाइस जल्दी ही व्लॉग लेकर आएंगे। बाय बाय।